Assalamu alaikum students, I am your teacher Ms. Zoha Tabassum. Dear students, today we will do some exercises of chapter number 2, kinds of sentences. Okay, so let's start. This is multiple choice question. Number 1, there are kinds of sentences. यानी कितने तरह के sentences होते हैं? Answer is 4. There are 4 kinds of sentences. चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. नंबर 1, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें या तो फैक्ट बताया जाता है या कोई बात कही जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, या तो ये पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है. नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है. नंबर 3, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि अचानक हमारे मुंह से या अचानक कोई चीज, कोई बात निकल जाए. जैसे मान लीजिए कि कुछ, अगर कोई बहुत खूबसूरत चीज सामने आ जाए, कोई अच्छी चीज, तो उसकी तारीफ कर दें हम, या तो फिर कोई सांप वगैरह या कोई डेंजर चीज आ जाए जिसको हमें खतरा हो, तो उस वक्त जो हमारे मुंह से कोई बात निकले, जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो हो जाएगा. जैसे यहाँ पे ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी यहाँ पे तारीफ की जाती है कि वाह कितनी अच्छी सीन है, वाह कितनी प्यारी सीन है, कितनी खूबसूरत सीन है. और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है? लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है, यहाँ पे देखिए. फिर लास्ट है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर दिया जाता है या तो इंस्ट्रक्शन दी जाती है. इसमें रिक्वेस्ट भी किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं रिक्वेस्ट का, लेकिन इसमें ऑर्डर दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या तो फिर रिक्वेस्ट की जाती है. और उसके बाद अगर ऑर्डर हमारा, अगर हम कोई भी ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांगली दें, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है और अदरवाइज फुल स्टॉप ही लगता है. ज़्यादातर फुल स्टॉप लगता है, लेकिन अगर हम कोई बात, कोई ऑर्डर बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं, सख्ती से कोई बात कह रहे हैं, तो वहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है. चलिए इसे करते हैं. नेक्स्ट है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होता है? आंसर इज फुल स्टॉप. यहाँ पे फुल स्टॉप लिख लीजिएगा, इसे टिक कर लीजिएगा. उसके बाद नंबर 3, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ पे टिक कर लीजिए. नंबर 4, एन इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स एन, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में क्या दिया जाता है? तो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन तो दोनों दिया जाता है ना, ऑर्डर भी दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर ए आर बी, यानी या तो ऑर्डर दिया जाता है या तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. यहाँ पे दोनों दिया जाता है ना, या तो ऑर्डर या तो इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ इसका क्या होगा? आइदर ए आर बी, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा. नेक्स्ट है एन इंपरेटिव सेंटेंस कैन एंड इन, यानी इंपरेटिव सेंटेंस एंड होता है, यानी लास्ट में इसके क्या लगा होता है? फुल स्टॉप भी लग सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है, यानी दोनों इसमें लग सकता है. अगर ऑर्डर हमारा फर्म हो, अगर हम सख्ती से ऑर्डर दें, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. अगर सिंपली ऑर्डर दें, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है. तो यहाँ पे इसका भी, इसका क्या होगा? ऑप्शन सही, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आइदर ए आर बी, इसे टिक कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रीड ईच सेंटेंस एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज. राइट एस फॉर स्टेटमेंट, Q for question, E for exclamation and I for imperative sentence. The first one is done for you. यानी इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सा सेंटेंस है. अगर स्टेटमेंट है तो S लिखेंगे, क्वेश्चन है तो Q लिखेंगे, एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो E लिखेंगे, imperative sentence है तो I लिखेंगे. नंबर 1 तो डन है ही. कैन यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? ये तो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन Q लिखा हुआ है. नेक्स्ट है फिनिश योर वर्क टूडे, यानी आज अपना काम खत्म करो. तो ये तो ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो ये क्या हुआ? इम्परेटिव सेंटेंस. दैट्स व्हाई विल राइट हियर आई. नेक्स्ट है लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. ये तो फैक्ट है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है. तो यहाँ पे और लास्ट में देखिए फुल स्टॉप है और ये फैक्ट भी है. तो फैक्ट किसमें बताया जाता है? स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट के लिए क्या लिखेंगे? एस. नेक्स्ट है व्हाट टाइम इज इट, यानी क्या टाइम हो रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे? क्यू. नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है. नंबर 5, व्हाट अ फन दिस इज, क्या मजा है ये. ये क्या मजा है, यानी इसमें मजे की बात हो रही है, कोई एंजॉय कर रहा है. और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए क्या लिखेंगे? ई. नेक्स्ट है